बिल्ली उठ गया। ओहो, मुंह धो लिया उठ के? शाबाश, मेरा अच्छा बच्चा है। तू भी उठ गया? ओहो, निहारिका भी उठ गई। बिल्लू उठ गया? बिल्लू, अच्छा, और काना भी उठ गया। अरे मेरा पेट, मैं चाय पी लूं? ला ला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जानकी जोशी। तो दोस्तों, अभी टाइम हो गया है 5:30 बजे का और मैंने चाय पी रही हूँ दूसरी बार की। तो एक बार 5 बजे चाय पी ली थी और दूसरी बार की मैं ये चाय भी मैंने बना रखी है, सास को देने के लिए गई थी। तो पहली वाली चाय जो थी वो निहारिका ने बनाई। निहारिका 5 बजे उठ गई थी, तो उठ के उसने सीधे चाय बनाई और दूसरी बार की चाय मैंने बनाई। फिर मैंने ईजा को भी चाय दी और दूसरी बार की ये चाय है मेरी। तो ये सुबह सुबह की चाय के साथ गुड मॉर्निंग और खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। बने रहे मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो खाना तैयार होने लग गया है क्योंकि इनका स्कूल जो है वो बहुत जल्दी होता है, सुबह 7:45 बजे ये घर से निकल जाते हैं। और मेरा भी नाश्ता बनने लग गया है। मैंने आलू रख दिए हैं पीछे, उबाल दिए हैं आलू, आज इनके लिए बना रही हूँ नाश्ते में आलू के पराठे। तो आलू उबाल दिए हैं, आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर परात तैयार कर रखी है। अभी चाय पीने के बाद मैं सीधे आटा गूंदूंगी, उसके बाद बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे। तो बने रहें आप मेरे ब्लॉग। ये देखिए, आलू के पराठे बन गए हैं बच्चों के लिए नाश्ता सुबह का, और बच्चे खाएंगे इसको दही के साथ। और इधर बन रही है बिल्लू के लिए रोटी, और यहाँ पर देखो काना का डांस हो रहा है तैयार होने के बाद। और कपड़े देखो कैसे इनने उतार के फेंक दिए सारे। ये देखो सुबह सुबह के कानों का 6:30 बजे का डांस। ये लगेगी, हाँ टेबल है वहां, मत कर ऐसे फिसले का पैर। काना, काना मत करो। और यहाँ हो रहा है नीलू का मेकअप। और बिल्लू देखो, और बिल्लू यहाँ पर बैठ गया है खाने के लिए तैयार। बन रहा है बिल्लू दिल्ली बिल्लू की रोटी। अरे गैस कैसे बंद? मैं हाथ रख सकता हूँ। बिल्लू रोटी बन रही है। सुनीता की भैया खुश है। तो बिल्लू की रोटी बन रही है, बिल्लू खाती है चिकन के साथ। इसके लिए हम चिकन इकट्ठा बना के रख देते हैं फ्रिज में, और एक एक पीस करके तवे के साथ उसको रोटी दी जाती है। तो यहाँ पर कर रहा है काना नाश्ता और निहारिका भी करेगी अभी। तो काना दही के साथ खा रहा है आलू के पराठे, निहारिका पहन रही है जूते। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने जैकेट डाल ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर, और गर्म पैजामा डाली है। अभी शूज डालूंगी पैरों में, इतना ठंडा है ना, जाते वक्त उतना ठंडा नहीं लगता है, जब ऊपर को मैं आती हूँ तो इतनी तेज हवा लगती है तो मेरा पूरा मुंह बंद हो जाता है। बंद करती हूँ मैं दुपट्टे से और फिर निकलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पेट्रोल पंप पे क्योंकि मेरे को यहाँ से तेल नहीं भराना है। मैं किस लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं परसों मैंने यहाँ से तेल भराया था तो इनने मेरे को एक नोट बिल्कुल ही फटा हुआ दे दिया था, वो 100 का। अगर 10 का होता, 20 का होता कोई बात नहीं, तो 100 का कहीं चला ही नहीं वो। तो फिर मैं आज यहीं पर आ गई और मैंने इनसे बोला कि आपने मुझे फटा हुआ नोट दे दिया था, ये कहीं नहीं चल रहा है। तो उनने मतलब मुझे पहचान लिया था और उनने फट से नोट निकाला और तुरंत मुझे दे दिया। और यहाँ पे देखो रोड इतनी ख़राब हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। और यहाँ से हम उड़ जाएंगे। तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाई है भात और मसूर की दाल।
जो लाल वाली होती है ना मसूर मलका, तो मलके की दाल, और ये है प्याज। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी। तो ये मैंने गोभी काट के गर्म पानी में बॉईल करने रख दी है। ऐसा करने से क्या होता है ना, गोभी में बहुत सारे कीड़े होते हैं, और कुछ कीड़े दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, जो इनके अंदर कभी कभी घुसे रह जाते हैं, हम मतलब कितना देखते हैं उसके बाद भी नहीं दिखते हैं। तो अच्छे से इसको बॉईल करने के बाद जो है वो कीड़े मर जाते हैं। तो गोभी मतलब ज़्यादातर ऐसे ही खानी चाहिए, या तो फिर एकदम फ्रेश साफ गोभी हो, और ये भी साफ है, ऐसा नहीं है कि साफ नहीं है, साफ गोभी है, लेकिन फिर भी मेरे को तो बिना मतलब ऐसे बॉईल करे खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हमेशा गोभी की सब्जी ऐसी बनाती हूँ। तो दोस्तों सब्जी बनके हो गई है मेरी तैयार, आलू गोभी की फर्स्ट क्लास सब्जी। तो ये देखिए बढ़िया सी सब्जी बन गई है आलू गोभी की। आलू गोभी टमाटर दही चने या मटर, तो ये सब्जी हो गई है तैयार। अब बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी और खाते हैं फिर। तो दोस्तों सब्जी बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और आजकल है सर्दियों के दिन, तो गर्मा गर्म रोटी ही अच्छी लगती है, ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी बच्चे खाएंगे और मैं फटाफट से बना देती हूँ रोटी। तो आपको कैसी लगती है आलू गोभी की सब्जी? मैंने आज आलू गोभी की सब्जी बनाई है। बिल्लू, ये बिल्लू है ना बहुत ही ज्यादा शैतान, बहुत ज्यादा शैतान हो गया, बहुत ज्यादा शैतान। नहीं नहीं पहन दे उसको। तुम दो तो मेरे को लागे। जल्दी आ जा जला के। कोई रोटी कोई पराठे, इनके भी अलग अलग वो है नखरे। ज्यादा सर में चढ़ा दिया ना सुबह शुरू से, आज मेरे को परेशान कर रहा है। पराठे ही चाहिए नीलू और खुशी को, काना भी रोटी खाता है और सीखा भी रोटी खाती है, ये है मामा, उसको पराठे ही चाहिए। धुआं देखो कितना हो गया। तो नीलू बना रही है मेरे बनाए हुए पराठे, इसको पसंद नहीं आ रहे, मतलब मैं थोड़ा कम लगा रही हूँ घी, और ये देखो कितना सारा घी लगा रही है। तो खुद ही अपने बनाने में लगी है, घी से पराठे बनाने में यही दिक्कत है, देखो कितना सारा धुआं निकलता है, और रिफाइंड से बनाते हैं ना तो उतना मतलब धुआं नहीं निकलता, और घी से बनाओ तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। चलो ओके आप साइड कर। काना वो सिखा, ये काना कहाँ है, इसे रोटी ले जाओ। तो Thank you.
रहा थी।